Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. तो दोस्तों चलिए आज हम लोग अनबॉक्सिंग और रिव्यू करते हैं एशियन के लेटेस्ट आर्टिकल की। आज मैं चार आर्टिकल को कवर करूंगा। ये देखिए बॉक्स की क्वालिटी बहुत अच्छी दी गई है। मेरे पास चार आर्टिकल हैं जिसमें है लाइट फोम 02, एयर व्यू 07, ये सारे एशियन के ही आर्टिकल हैं, सुपर स्टार 02 और एक और है लाइट फोम 01। ये आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले का काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैं लाइट फोम 02 को अनबॉक्स करूंगा। व्हाइट मिंट कलर का है, 2549 इसकी MRP है। लुक आप देखिए, लुक वाइज बहुत ही प्यारा लग रहा है ये जूता। इसके जूते की क्वालिटी में और लुक में कोई गड़बड़ नहीं है। फाइलोन सोल पे ये जूता बनाया गया है। अपर से बहुत ही सॉफ्टनेस देने की कोशिश की गई है। अंदर से देखा जाए तो ब्रीदेबल वगैरह सब ठीक ठाक आपको मिल रहा होगा। साथ में फोमिंग, अगर इसके फोमिंग की बात की जाए तो एवरेज इसमें फोमिंग का यूज किया गया है। इसमें हमेशा की तरह एशियन ने ये देखिए मेमोरी फोम थेरेपी वाला इंसोल का यूज किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी का इंसोल होता है। और इसको मैंने हर वीडियो में, अगर आप मेरा वीडियो हमेशा देखते होंगे तो हर वीडियो में मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 3-4 जूते हैं, तो मैं वीडियो को बहुत लेंदी नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी सारे जूते कवर करके दिखाना चाहता हूँ। तो ये हो गया लाइट फोम 02। इसके वेट क्या बात किया जाए तो वेट इसका बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 320-325 ग्राम के आसपास होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल देखा जाए तो एयर व्यू 07 है, ये आप देखिए 2249 इसकी MRP है। अभी तक जितने आर्टिकल हम लोग देख रहे होंगे उसमें हमेशा 2500 के ऊपर ही इसकी MRP रहती थी, लेकिन ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसकी MRP 2249 रुपये है। और लगभग जो आर्टिकल मैं अभी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, लगभग लगभग 50% या आप एक मोटा मोटा मान लीजिए 1200 से लेकर 1400 के बीच में इनके सारे आर्टिकल कवर हो जाते हैं। चलिए इसका भी लुक देखते हैं। हाँ, तो जब भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा तो उसमें एक कैरी बैग हमेशा मिलेगा। लुक वाइज ये देखिए लुक इसका, ये 10 नंबर का पेयर है जिसके वजह से ये आपको बड़ा दिख रहा होगा। तो और हमेशा जब भी जैसे हम लोग डिस्प्ले भी देते हैं तो हमेशा 7 या 8 देते हैं, क्योंकि हमेशा जो अच्छा लुक है वो आपके 7 और 8 नंबर के पेयर में ही आता है। ये 10 नंबर में आप देख रहे होंगे तो लुक वाइज आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका शेप यहाँ से मुड़ जाता है। वो बड़े साइज के जो पेयर होते हैं उनके साथ ऐसा हो जाता है, लेकिन यही अगर 7-8 देखेंगे तो लुक वाइज बहुत ही प्यारा दिखेगा, क्योंकि इसमें दिख भी रहा होगा आपको। और इसके क्वालिटी की बात किया जाए, जैसे एयर व्यू टेक्नोलॉजी होता है, इसके अपर को जो इसका ये होता है मेस होता है, इसमें 1000 थ्रेड्स का यूज करके इसके अपर को बनाया जाता है, जो कि हमेशा ये दिखता है। और इनके अपर, क्योंकि सोल से ज़्यादा ये फोकस करते हैं एयर व्यू टेक्नोलॉजी में अपर पे, तो अपर इसका हमेशा डिफरेंट होता है। जब मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इस बार भी देखिए तो लुक वाइज यहाँ पे आप देखेंगे तो अलग थ्रेड्स है, यहाँ पे साइड में देखेंगे तो अलग थ्रेड्स हैं, तो लुक एक अच्छा देने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ इसके सोल की बात किया जाए तो सोल एयर व्यू का हमेशा से अच्छा बनाया गया है। इसमें देखिए पूरा फुल TPR का यूज किया गया है। यहाँ साथ में देखिए ईवा वगैरह यूज किया गया है, कुछ फाइबर वगैरह यूज करके यहाँ पे एयर कैप्सूल देने की कोशिश की गई है। वेट के हिसाब से ये भी लाइट वेटेड मुझे लग रहा है, 340 ग्राम के आसपास ही होगा। फोमिंग वगैरह भी अच्छा दिया गया है नो डाउट, और इसमें मेमोरी फोम थेरेपी वाला ही इंसोल का यूज किया गया है। तो ये हो गया इनका दूसरा आर्टिकल। तीसरा आर्टिकल देखा जाए सुपर स्टार 02, इसका भी सुपर स्टार 01 भी हम लोग ने अनबॉक्सिंग किया है, आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और ये वाला आर्टिकल जो लाइट फोम 02 है, इसका भी लाइट फोम 01 उसकी भी अनबॉक्सिंग किया है। अगर आप दोनों के सीरीज, जैसे लाइट फोम 01 है इसका अगर 1 से कंपैरिजन चाहते हैं तो भी मिल जाएगा आपको, कमेंट करने की जरूरत है। और अगर सुपर स्टार 01 वर्सेज सुपर स्टार 02 का भी वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आपको कमेंट करना होगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग उस कंपैरिजन वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। अगर इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करिए, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो लुक वाइज ये देखिए बहुत ही अच्छा लुक मुझे लग रहा है इसका, और सबसे ज़्यादा मुझे इसमें पसंद आ रहा है इसका सोल। पूरा मेगा पिलो टेक्नोलॉजी पे इसके सोल को बनाया गया है, जो कि एक अच्छा सोल होता है। इस सोल को मैं कभी, जैसे ये दोनों फाइलोन सोल पे थे तो इसको रनिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सोल को मैं रनिंग के लिए, कोई भी ट्यूब सोल होता है तो मैं इसको रनिंग के लिए कभी भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें जो ग्रिपिंग का मैटर होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। वेट लेकिन जैसे इसमें ट्यूब का सोल दिया गया है, लेकिन वेट के हिसाब से वेट इसका ज़्यादा नहीं है, वेट ठीक ही ठाक होगा। जब सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो उसमें वेट वगैरह भी करके देख लेंगे, तो भी 350 ग्राम के अंदर ही होगा। अपर की जो टेक्नोलॉजी है या जो मेस है वो भी काफ़ी ब्रीदेबल लग रहा है, कॉटन वाला मेस का यूज किया गया है।
फोमिंग वगैरह ठीक है, लगभग जितने जूते थे सबकी फोमिंग एक जैसे है। इसमें मेमोरी फोम थेरेपी वाला इंसोल का यूज किया गया है। एमआरपी वाइज ये 2549 है, लेकिन मैंने शुरू में ही बता दिया था एमआरपी से कोई लेना देना नहीं है, 1200 से लेकर 1400 के बीच में इनके सारे जूते आपको मिल जाएंगे। एक और जूता है हम लोग के पास, ये देखिए, ये है लाइट फोम 01। इसका तो मैंने फुल्ली पूरा वीडियो अनबॉक्स करके रिव्यू करके अच्छे से 6-7 मिनट का वीडियो बना है, जो कि आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये देखिए लाइट फोम 02, लाइट फोम 01 और 02, ये देखिए आपके सामने है। तो अगर आपका इसका सेपरेट वीडियो चाहिए तो इसके लिए आपको कमेंट करना होगा। तो मैं आशा करता हूँ एशियन के ये लेटेस्ट 4 आर्टिकल आपको पसंद आए होंगे, साथ ही साथ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।